मैं हूँ प्रियंका। प्रियंका की दुनिया में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं साबूदाना का खिचड़ी बनाने। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा साबूदाना, इसको हमने 2 घंटा पहले भिगो लिया था। अभी देखिए कितना अच्छा खिला खिला एकदम अच्छे से हो गया है। और ये देखिए खीर बनाने के लिए हमने लिया है दूध, ये 1.5 लीटर दूध है। और ये हमने घी लिया है इसको कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। और ये है चीनी और ये है किशमिश। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालेंगे, फिर इसमें साबूदाना डालेंगे फ्रेंड्स, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। इसको धीमी आँच पे हल्का हल्का चलाते हुए फ्रेंड्स रोस्ट करेंगे। हल्का रोस्ट होने देंगे फ्रेंड्स। अब दूसरी गैस जलाएंगे। इसमें हम अपना दूध डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अपना दूध डाल दिया फ्रेंड्स। और इसको भी हल्का हल्का चलाते रहेंगे अच्छे से। इसको हल्का हल्का भूनेंगे फ्रेंड्स। डाल दिए थे डालते हैं ये चीनी। देखिए फिर ये चीनी भी डाल देंगे। और ये डाल देते हैं किशमिश। और फिर अब इसको हम चलाएंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया था, इसको बंद कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसको खोलने देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। जब ये पूरा अच्छे से खोल जाएगा धीमे धीमे आँच पे, फिर इसमें हम साबूदाना डालेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इसको अच्छे से चलाते रहेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया है। अभी 5 से 10 मिनट तक ऐसे ही अच्छे से उबलने देंगे इसको। इसमें बीच बीच में हम इसको चलाते जाएंगे फ्रेंड्स। ये अच्छे से उबल जाएगा। जितना ही अच्छा से ये उबलेगा फ्रेंड्स, जिससे ही दूध हल्का गाढ़ा होगा, उतना ही अच्छा हम लोग का खीर बनेगा साबूदाने की। और फ्रेंड्स, साबूदाने का खीर आप व्रत में अच्छे से खा सकते हैं। सोमवारी का व्रत हो या नवरात्रि हो, साबूदाना आपके लिए बहुत अच्छा है। ये फल में आता है फ्रेंड्स। आप इसका खीर बनाइए या बड़े बनाइए, आप इसका खिचड़ी बनाइए, किस कोई भी चीज़ बना के आप खा सकते हैं साबूदाना का फ्रेंड्स। इसको हम अच्छे से खोलने देंगे। ये देखिए ये मीडियम आँच पर अच्छे से खोल रहा है। अच्छे से जब खोल जाएगा तब इसमें हम डालेंगे फ्रेंड्स अपना साबूदाना। अब अच्छे से उबल गया फ्रेंड्स। अब इसमें हम अपना साबूदाना डालेंगे इसमें। अब इसके बाद पूरा अच्छे से इसको चलाएंगे फ्रेंड्स। इसको अच्छे से 5 मिनट तक चलाते जाएंगे। इसको अच्छे से चलाइए फ्रेंड्स। पूरा अच्छे से ये भूल गया इसमें। अब इसको 5 से 10 मिनट तक पूरा ऐसे ही इसमें डाल के खोला देंगे। हम लोग का खीर तैयार हो गया फ्रेंड्स। चलिए आज हम आपको इसको निकाल के सर्व करने में दिखा रहे हैं। ये हम लोग का खीर कैसा है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका थिकनेस कितना अच्छा है। अगर आप इससे भी गाढ़ा करना चाहते हैं फ्रेंड्स इसको, तो इसको थोड़ा सा देखिए इसमें किशमिश वगैरह डाल देते हैं ऊपर से, पर ये तो अंदर ही चला जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अगर आप इसका थिकनेस थोड़ा मोटा रखना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा और साबूदाना ऐड करिए। पर देखिए ये परफेक्ट है थिकनेस फ्रेंड्स। अब इसको आप सर्व करने के लिए तैयार है फ्रेंड्स। आप इसको कभी भी कहीं भी सर्व कर सकती हैं। और बनाने में बिल्कुल भी आसान है फ्रेंड्स। आपको लगा कितना आसान है, एकदम आसानी से ये बन जाता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में फ्रेंड्स। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है खाने के लिए। ये बहुत ही अच्छा है रेसिपी और बहुत आसान है। बस आप साबूदाना भिगाइए, उसका खीर बनाइए और अच्छे से अपने व्रत में खाइए फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।